फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे। सॉरी डॉम क्या? नहीं, डॉम की क्या बात है इसमें? सही है, टेकिंग यूजर इनपुट। यूजर से इनपुट कैसे लेना है? इंडेक्स में आ जाते हैं, ये जो पहले का लिखा हुआ कोड है इसको मैं उड़ा देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक तरीका जो है जावास्क्रिप्ट में डॉम से इनपुट लेने का भी होता है, ये दोस्त ने सही कहा था, लेकिन फ़िलहाल हमने वो क्योंकि पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो हम अभी फ़िलहाल ऐसे ही इनपुट ले लेते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट। अच्छा मैंने ये बताया, एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं लेट, और मैंने कह दिया कि नम वन। ठीक है, नंबर वन की बात हो रही है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने अलर्ट एक चीज़ पढ़ी है, अलर्ट डिस्प्ले दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यूज़र को डिस्प्ले दिखाने के लिए। डेवलपर कॉन्सोल अलग है, वो हम देख चुके हैं, लेकिन जब भी यूज़र को डिस्प्ले दिखाना होगा हमें, तो हम डेवलपर कॉन्सोल पे नहीं करेंगे, हम अलर्ट पे करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से एक चीज़ होती है प्रॉम्प्ट। अच्छा, प्रॉम्प्ट के अंदर आप क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट का कीवर्ड पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, दरमियान में एक स्ट्रिंग में एक बात लिखते हैं आप, जो सवाल होता है असल में, जो आप यूज़र से पूछ रहे होते हैं। क्या सवाल पूछूंगा मैं? एंटर योर फर्स्ट नंबर। सही है, ये मैंने सवाल पूछ लिया। अच्छा, अब ये सवाल पूछने के बाद कॉमा डाल के यहाँ पे एक दूसरी बात भी लिख सकते हैं हम। ये दूसरी बात क्या होगी? जो भी दूसरी बात लिखी, जैसे 5 लिखा मैंने, तो जब वो क्वेश्चन बॉक्स खुलेगा उसमें ये 5 पहले से लिखा हुआ होगा। ठीक है, एज अ सजेशन आ रहा होगा। ठीक है, यूज़र चाहे तो उसको रिमूव करके कुछ बात लिखे। अच्छा, तो हमें इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, है ना? एंटर योर फर्स्ट नंबर जस्ट हमें चाहिए, इतना हमारे लिए काफ़ी है। सेकंड वाला जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप लिख सकते हैं, मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये जो इतना पार्ट है, जैसे ही यूज़र लिखेगा कोई बात और लिख के एंटर का बटन प्रेस करेगा या ओके का बटन प्रेस करेगा, तो ये जो इतनी चीज़ है ना, ये खुद गायब हो जाएगी यहाँ से, और इसकी जगह वो बात लिखी हुई आ जाएगी जो यूज़र ने एंटर की है। इसका क्या मतलब हुआ? जो भी बात यूज़र ने लिखी होगी वो वेरिएबल में चली जाएगी। ये रन टाइम पे क्या होगा वो बता रहा हूँ आपको, पीछे की कहानी। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट जो है खुद गायब हो जाएगा, इसकी जगह वो बात आ जाएगी जो यूज़र ने टाइप की होगी। अच्छा, इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो इसको टेक्निकली अगर मैं बोलूँ इस बात को, तो मैं कैसे बोलूँगा? मैं बोलूँगा कि जो प्रॉम्प्ट जो है ना, ये वैल्यू रिटर्न करता है। क्या वैल्यू रिटर्न करता है? जो भी यूज़र ने बात लिखी हो ना, वो वैल्यू रिटर्न करता है। वैल्यू रिटर्न करने का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ खुद हट जाएगी वहाँ से, ये खुद हट जाएगी ऐसे। ठीक है, और जो यूज़र ने जो लिखा होगा वो आ जाएगा। अच्छा, प्रॉम्प्ट जो वैल्यू रिटर्न करता है वो हमेशा स्ट्रिंग में करता है। हमेशा किस में करता है? स्ट्रिंग में, बावजूद इसके कि आपने नंबर लिखा हो, लेकिन वो करता है स्ट्रिंग में ही है। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर नंबर टेक्स्ट कुछ भी लिख सकता है बंदा। तो प्रॉम्प्ट हमेशा वैल्यू जो भी रिटर्न करेगा, वो क्योंकि यहाँ पे ऐसे आ रहा होगा ऐसे करके, वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल के अंदर जाके सेव हो जाएगा। अच्छा, तो हमारा इनपुट जब ये पूरी लाइन चल के ख़त्म होगी अगली लाइन में, तो नम वन में क्या बात मौजूद होगी? जो भी यूज़र ने लिखा है वो बात मौजूद होगी। अच्छा, अगली लाइन में आ जाते हैं हम, एक और वेरिएबल इसी तरह का लेट नम टू इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर योर सेकेंड नंबर। अब हमारे पास दो नंबर आ गए। अब हमने क्या करना है, अगला काम हमने करना है कि यार लेट नम थ्री। अब मिसाल के तौर पे हमें सम करना है, प्लस करना है इन दोनों नंबर्स को हमने प्लस करना है। तो हम नम वन और प्लस नम टू कर देंगे, नम वन प्लस नम टू। अच्छा, इस पॉइंट पे जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन को जावास्क्रिप्ट विल ट्राई टू इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन इनटू अ सिंगल वैल्यू। तो सबसे पहले नम वन जाके ऊपर ढूंढेगा इसकी वैल्यू क्या है, वो ला के रखेगा यहाँ। नम टू इसको ढूंढेगा, उसकी वैल्यू ला के रखेगा यहाँ। ठीक है, अच्छा तो नम वन खुद हट जाएगा यहाँ से, गायब हो जाएगा, और इसकी जगह जो भी मिसाल के यूज़र ने लिखा था 10, तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ जाएगा।
ठीक है, नम टू, मिसाल के तौर पे यूज़र ने नम टू में लिखा था 5, तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ जाएगा, एंड देन इट विल कंपाइल टू 15, ये इवेल्यूएट होगा एक सिंगल वैल्यू में 15, और वो नम थ्री में चली जाएगी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये अगेन इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिटर्न करना। तो नम वन जहाँ पे भी लिखी हुई होगी बात, नम वन क्या रिटर्न करेगा, अपनी करंट वैल्यू रिटर्न करेगा उस जगह पे। नम टू जहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या रिटर्न करेगा, अपनी करंट वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी जब इस लाइन में मेरा कोड पहुँचेगा तो इस नम टू में जो भी बात होगी, वैल्यू स्टोर होगी, वो यहाँ पर रिटर्न होगी, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन इवेल्यूएट होगा एक सिंगल वैल्यू में, वो नम थ्री में चला जाएगा। अब मुझे नम थ्री को यूज़र को डिस्प्ले कराना है, अलर्ट, सही है, अलर्ट में मैं क्या लिखूँगा, नम थ्री लिख दूंगा बस डायरेक्ट, दैट्स इट। या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि यार सम इज नम थ्री, तो सम इज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सम इज, और ऐसे करके कॉमा नहीं लगा सकते आप अलर्ट में, नहीं लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, ये कुछ ना कुछ एरर ही देगा। अच्छा, वो तो मैंने फाइल दूसरी बना दी है ना, ठीक है, फर्स्ट नंबर में 10, 5, हाँ सम इज के बाद नहीं आया, क्योंकि अलर्ट में कॉमा नहीं लगता, वो कॉन्सोल डॉट लॉग में लगता है कॉमा, सही है। तो यहाँ पे आप लगाएंगे प्लस, ठीक है, ये इतना पार्ट जो है वो स्ट्रिंग है, प्लस स्ट्रिंग में जब भी प्लस होती है कोई चीज़ तो क्या बन जाती है, वो कॉनकैडिनेट हो जाती है, तो ये नम थ्री है सिर्फ कॉनकैडिनेट हो जाएगा। अच्छा, या मैं प्लस की जगह यहाँ पे माइनस कर दूँ, है ना, माइनस कर दूँ मैं, तो माइनस होना शुरू हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, डिफरेंसेस, ठीक है, डिफरेंस में डबल एफ होता है, ठीक है, जब दो नंबर को माइनस करके जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं डिफरेंस, जो दो नंबर को प्लस करके आता है उसको हम कहते हैं सम, जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, और जो नंबर को डिवाइड करके आता है, क्वेश्चन, मुझे ये नहीं पता क्या कहते हैं, ठीक है, डिवीजन कहते होंगे या क्वेश्चन कह रहे हैं आप, ये कहते हैं जो आंसर आता है उसको क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है, गूगल कर लेना, ये क्वेश्चन ही कहते होंगे, सही कह रहे हैं। अच्छा, चल आगे देखते हैं इसको। अब मैंने कहा 10, एंटर 5, 105 आ गया, ये वो प्लस वाला चल रहा था असल में पहले वाला। अबे ये कितनी बार चलेगा, एक मिनट, दोबारा इसको डिस्पोज, अच्छा ये नया वाला चला है, 10, 5, डिफरेंसेस 5, ये माइनस वाला चल गया हमारा, ठीक है, ये असल में ऑटो रिफ्रेश पे लगा हुआ है ना, इसको एक काम करता हूँ मैं, ये इसको डिस्पोज करके ना, यहाँ से मैं राइट क्लिक करके ना कॉपी पाथ करता हूँ, क्योंकि वो जब जब चेंज कर रहा हूँ वो रिफ्रेश हो रहा है, और वो बार बार वो पागल हो जा रहा है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉन्सोल खोल लिया, सॉरी नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अभी करते हैं, रुक जाओ अभी, सबर। अच्छा ये हो गया, अब तुमने नोट किया कि प्लस जब मैं इसको करता हूँ तो क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है, क्यों, कि ये प्रॉम्प्ट मुझे वैल्यू रिटर्न करता है, ये वैल्यू किस में रिटर्न करता है, स्ट्रिंग में हमेशा। अच्छा तो नम वन में है तो लिखा हुआ 10 या 12 है, वो स्ट्रिंग में, जब स्ट्रिंग दो आपस में प्लस होता है तो क्या होता है, वो कॉनकैडिनेट होता है। अच्छा लेकिन माइनस अगर होता है तो ऑटोमेटिक पार्स होता है वो, माइनस जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको वो पार्स करने की कोशिश करता है, नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, और अगर नंबर में कन्वर्ट हो जाता है तो माइनस कर देता है, अदरवाइज एन ए एन लिखा हुआ था जो हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा नंबर में, जब मैं इनपुट ले लूँगा यूज़र से तो हमेशा मैं उसको क्या करूँगा, अगर नंबर के तौर पर इनपुट लिया है तो नंबर में कन्वर्ट करूँगा उसको मैं। कैसे नंबर में कन्वर्ट होगा, मैं कहूँगा नम वन इक्वल्स टू पार्स इंट, ठीक है, पार्स इंट नहीं, बस सिर्फ नंबर भी लिख दूंगा तो चलेगा, ठीक है, नंबर नंबर, असल में पार्स इंट क्या करता है, वो पॉइंट हटा देता है, और पार्स फ्लोट जो पॉइंट लगा देता है, तो हमें पॉइंट लगाना है ना हटाना है, हमें सिर्फ नंबर, अभी हम देखते हैं वो सब क्या होते हैं। तो ये नंबर करके ना मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसको नंबर बना दो, सही, और नम टू के साथ भी मैंने यही बात की,
सही है, ये एक छोटा सा कैलकुलेटर की ऐप जो है ना बन के तैयार हो गई है। सॉरी, ये प्रॉम्प्ट में क्या नहीं समझ आया बताओ। अच्छा, ये जो एंटर योर फर्स्ट नंबर है ना, ये सवाल है, यूज़र को शो होगा। ये दिखा देता हूँ मैं चला के उसको, देखो जब मैंने रिफ़्रेश किया ना तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स बना हुआ आ रहा है, एंटर योर फर्स्ट नंबर, सही है। और यहाँ पे बंदा कोई भी बात लिखेगा ना जो, वो रिटर्न वैल्यू होगी प्रॉम्प्ट की। 12 लिखा ना बंदे ने और ओके किया मैंने, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये खुद हट गया और यहाँ पे 12 आ गया, और 12 जब यहाँ पे आया तो नम वन में जाके सेव भी हो गया वो 12। अब समझ आ गया प्रॉम्प्ट में, इसी तरह सेकंड टाइम भी हुआ। अच्छा, प्रॉम्प्ट में अगर मैं कॉमा डाल के कोई दूसरी वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने 6 लिख दिया यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये अब पहले से लिखा हुआ रहा होगा। देखो मैं रिफ्रेश करके दोबारा चलाता हूँ इसको, तो देखो ये 6 पहले से लिखा हुआ है इसमें। इसको यूज़र रिमूव कर भी सकता है चाहे तो 6 पे ही एंटर कर दे, ठीक है। तो ये लेकिन हमें फ़िलहाल शायद इसकी ज़रूरत नहीं है कि सेकंड जो हमने बात लिखी थी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो दो इनपुट ले लिया, उन दोनों को हमने पार्स कर लिया, यानी नंबर में कन्वर्ट कर लिया, है ना। नंबर में कैसे कन्वर्ट किया, मैंने कहा नंबर बना दो इस वेरिएबल को, और अब ये रिटर्न क्या करेगा, नम वन के अंदर जो वैल्यू थी ना वही रिटर्न करेगा, लेकिन न्यूमेरिक फॉर्म में करेगा और वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ये खुद हट जाएगा इतना पार्ट, और इसकी जगह पे अगर बंदे ने 10 लिखा था ना स्ट्रिंग में, तो यहां पे इस पॉइंट पे जो 10 था उसके अंदर, सही है, बंदे ने 10 लिखा और बंदे ने लिखा 12, तो ये दोनों स्ट्रिंग फॉर्म में थे। लेकिन जब ये वाला पार्ट मेरा पहुंचेगा तो उसके बाद ये 10 कैसे हो जाएगा, ये ऐसे वाला हो जाएगा बगैर स्ट्रिंग वाला, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। तो ये नम क्या होगा, खुद यहाँ से पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। नम को जो भी वेरिएबल मिला था, उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी, अगर वो स्ट्रिंग में है तो उसको वो क्या कर देगा, न्यूमेरिक में करके ना ऐसे रिटर्न कर देगा यहाँ, और वो नम वन में वापस सेव हो जाएगी। अच्छा, वंस वो नम वन में सेव हो गई, जो नम टू में थी वो नम टू में सेव हो गई, नंबर में कन्वर्ट हो गए। फिर नम वन और नम टू को जब मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ या मल्टीप्लाई या डिवाइड करूँ, वो बिल्कुल सही डिवाइड होगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे फिर लिखा हुआ भी आ जाएगा। तो ये सम वाला मैंने बना दिया, आपको क्या करना है, चार अलग अलग एप्लीकेशन बनानी है, एक सम करेगा, एक मल्टीप्लाई, एक डिवाइड, एक माइनस, चार ऑपरेशन, चार अलग अलग ऐप्स। कोई अगर मॉड्यूलस का बनाना चाहे तो वो भी बना सकता है ना, इज इवन इज ऑड बना सकते हैं ना आप, एक अलग से अगर कोई बनाना चाहे कि इज इवन या इज ऑड उसमें चेक हो जाता है तो वो भी कर सकते हैं बिल्कुल आप, ठीक है। अच्छा, क्या हमारे पास, चलो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में, सॉरी, हाँ, एक्सेल शीट जो है ना वो मैंने शेयर कर दी है गिटहब की रिपॉजिटरी में, ठीक है, यहाँ पे ये लिखी हुई है, गिटहब की रिपॉजिटरी में जाओगे तो ये लास्ट में एक रीडमी के नाम से फाइल है, वहाँ पे ये मैंने शेयर कर दी है।